हैदराबाद वाला डॉट कॉम पर आपका इस्तकबाल है। मैं यास्मीन आज आपको पसंदीदा बनाने का तरीका बताऊंगी। बोल में 300 ग्राम बिना हड्डी का गोश्त डालिए। अगर आप चाहें तब गोश्त की मकदार बढ़ा सकते हैं। अब इस गोश्त में 1.5 या 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, 1.5 टी स्पून नमक डालिए, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर डालिए, 3 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, 4 कप दही डालिए, 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते डालिए, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया डालिए। अच्छी तरह से मिलाकर आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। फ्राइंग पैन में 1 और 1/4 कप या 80 ग्राम सूखे नारियल के पीसेस डालिए और ब्राउन रंग के होने तक भून लीजिए। 3/4 कप मूंगफली को भून लीजिए और निकाल लीजिए। 30 ग्राम चिरौंजी को भून लीजिए। 1 टेबलस्पून तेल डालकर 2 अदद मीडियम साइज की प्याज कटी हुई डालिए और बादामी रंग की होने तक प्याज को तल लीजिए और निकाल लीजिए। अब खोपरा, चिरौंजी और प्याज को ग्राइंड करके बारीक पेस्ट बना लीजिए। सॉस पैन में 6 टेबलस्पून तेल डालिए, मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालिए, ढक्कन ढक दीजिए और 20 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाइए कि पानी भी सूख जाए और मटन आधा गल जाए। अब इसमें मसाले का पेस्ट डालिए और अच्छी तरह से भून लीजिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे भूनिए कि मसाले की कच्ची बू दूर हो जाए। दो कप पानी डालिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए, 1/4 टीस्पून कबाब चीनी पाउडर डालिए, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया डालिए, 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते डालिए, 1/2 नींबू का जूस डालिए, 1/2 टीस्पून नमक डालिए, ढक्कन ढक दीजिए और धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाइए। बीच में इसमें मिलाते रहिए कि कहीं मसाला बर्तन को चिपक न जाए। पसंदे तैयार है। बघारा खाना या काजू राइस या फिर कोई भी रोटी के साथ सर्व कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।